क्लास सेकंड, क्लास सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हम आज करने जा रहे हैं एनिमल्स नेम, यानी जानवरों के नाम। क्या करेंगे? एनिमल्स नेम यानी जानवरों के नाम, ठीक है, ये हम करेंगे। एनिमल्स नेम यानी जानवरों के नाम। उससे पहले हमें पहले लाइनें खींचनी होगी, क्योंकि हमें एनिमल्स नेम लाइनों में ही लिखना है, ठीक है। एक एक एनिमल्स लिखेंगे। सबसे पहले कैमल, सी ए एम ई एल, सी ए एम ई एल, कैमल। कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट, सी ए एम ई एल, सी ए एम ई एल, कैमल। कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट। क्या होता है? ऊंट। उसके बाद एलिफेंट, ई, एलिफेंट की स्पेलिंग है ई एल ई, ई एल ई, पी एच ए एन टी, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। एक बार दोबारा मीनिंग देख ले, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। उसके बाद है पी ए एन, पी ए एन टी एच ई आर, पी ए एन टी एच ई आर, पैंथर। इसको क्या बोलते हैं? पैंथर। पैंथर का मतलब क्या होता है? चीता। पैंथर का मतलब क्या होता है? चीता। पी ए एन टी एच ई आर, पैंथर। पैंथर का मतलब क्या होता है? चीता। उसके बाद में है लैम्ब, एल ए एम बी, एल ए एम बी, लैम्ब। लैम्ब का मतलब क्या होता है? मेमना। क्या होता है? मेमना। लैम्ब का मतलब क्या होता है? मेमना। मीनिंग होता है एल ए एम बी, लैम्ब, लैम्ब यानी मेमना। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब हम गणित में बात करते हैं। गणित में इससे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में बदलना सीख रहे थे, अब हम करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। सेंटीमीटर में बदलना, ये हम सीखेंगे। तो आपको ये बात पहले ध्यान होनी चाहिए कि एक मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर के। एक मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। अब हमें मान लो सवाल दे दिया जाए कि 5 मीटर बराबर, यहाँ खाली स्थान दे दिया जाए और लिख दिया जाए सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस खाली स्थान पे हमें भरना है कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है।
तो हल करने के लिए पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमसे पूछा गया 5 मीटर बराबर खाली स्थान देकर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये दिया हुआ, यहाँ पे हमें भरना है खाली स्थान। तो 5 मीटर इंटू 100, तो 5 में 100 का गुणा कर देंगे, ये सीधा यहाँ 5 इंटू 100 लिख दो, 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 500। ये 500 क्या है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। 500 क्या है, सेंटीमीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में हम कैसे बदल सकते हैं, ये आपने देखा। अब यहाँ खाली स्थान पे हमें लिख देना है 500, यानी 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा सवाल दे रहा हूँ, 8 मीटर बराबर खाली स्थान, यहाँ पे आपको अपने आप भर के लिखना है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। हल करना है यहाँ पे आप लोगों को और हल करके लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।